In the last session, we have learned about the core, different type of cores in the city. के city में कितनी cores होती हैं, एक meeting core होती है, एक quotation core होती है, और हम cores को आपस में swap नहीं कर सकते, तो हमें during commissioning इस चीज को make sure करना होता है कि quotation core relay पे connect हो, meeting core meters पे connect हो. तो इसके लिए बेसिकली टेस्ट परफॉर्म किया जाता है फील्ड में, जिसको हम कहते हैं कोर वेरिफिकेशन टेस्ट. तो जब भी आप नया पैनल साइट पे आता है, नई आप सीटी इंस्टॉल करते हैं जिसमें मल्टी कोर्स है, तो यू हैव टू मेक श्योर के जो प्रोटेक्शन कोर है वो प्रोटेक्शन से कनेक्टेड से कनेक्टेड और मीटिंग मीटिंग से. अगर वो उल्टी कनेक्टेड होंगी तो रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे. प्रोटेक्शन रिली विल नॉट ऑपरेट एंड द मीटर्स अदर हैंड will not measure proper value, error ज़्यादा होगा और damage भी हो सकते हैं because of high fault current. So core verification का process जो है वो एक important process है, और इस process के अंदर हम क्या करते हैं कि primary injection जो हमें CT की वो करते हैं, primary side पे हम current inject करते हैं, और CT side पे आप secondary side पे आप core verification के process में पहले आप CT secondary wiring completely check कर चुके होंगे, और द प्राइमरी वायरिंग है वो आप चेक करेंगे इसमें. ठीक है, तो आप कोर वेरिफिकेशन का प्रोसेस हम ये भी कह सकते हैं कि इट्स अ प्रोसेस जब आप प्राइमरी इंजेक्शन कर रहे होंगे और सी सेकेंडरी वायरिंग सेकेंडरी इंजेक्शन से वेरीफाई कर चुके होंगे. तो आपने प्राइमरी इंजेक्शन पे करंट इंजेक्ट किया और आप उसके बाद देखेंगे कि सीटी सेकेंडरी दोनों साइड पे करंट आ जाएगा. तो जब सीटी से तार वायर्स निकल के पहले जो टर्मिनल ब्लॉक पे आ रही हैं, जो कि नॉर्मली स्लाइडिंग इंट्रोडिंग फैसिलिटी जहाँ दी जाती है, उस पर आपको दोनों कोर्स आ रही होती है. तो एज पर ड्राइंग आप चेक करेंगे, सबसे पहले आप शॉर्ट करेंगे वो कोर जो कि प्रोटेक्शन को जा रही है, और आप चेक करेंगे कि प्रोटेक्शन के ऊपर जो रीडिंग है वो जीरो हो चुकी है और मीटर के ऊपर रीडिंग आ रही है, और मीटर के ऊपर आप रीडिंग चेक करेंगे करंट की रीडिंग क्या आ रही है. मिनी क्लैंप से देख लेंगे इस मीटर की वायरिंग के ऊपर की करंट आ रहा है या नहीं. जबकि दूसरी सूरत में आप ये करेंगे कि आप दोबारा इंजेक्शन को स्टॉप करेंगे, फिर उसके बाद आप प्रोटेक्शन कोर को थ्रू कर देंगे और मीटिंग कोर को शॉर्ट कर देंगे, और उसके बाद आप चेक करेंगे कि यार आप जो करंट है इंजेक्शन ऑन करेंगे प्राइमरी, और आप ये देखेंगे कि करंट सिर्फ आपका प्रोटेक्शन कोर में आ रहा है और मीटिंग कोर में कोई करंट नहीं है. तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि जो प्रोटेक्शन कोर है उसके जो करंट टर्मिनल्स हैं वो प्रोटेक्शन रिले से कनेक्टेड है, और जो मीटरिंग कोर है वो मीटर से कनेक्टेड है. वेरिफिकेशन के बाद आपने दोबारा इंजेक्शन ऑफ करनी है और दोनों सीटीज को थ्रू करना है, और दोबारा एक दफ़ा लास्ट में आपने दोनों करंट की रीडिंग देख लेनी है कि रिले पे और मीटर्स पे करंट प्रॉपरली पहुंच रहा है और सर्किट कंप्लीट है. नेक्स्ट टेस्ट जो है वो है सिंगल पॉइंट अर्थिंग टेस्ट. ये भी फील्ड में किया जाता है. सिंगल पॉइंट अर्थिंग टेस्ट जो है वो वन ऑफ दी इम्पोर्टेंट टेस्ट है जो कि हम कमीशनिंग में करते हैं, और ड्यूरिंग मेंटेनेंस भी ये वेरिफिकेशन आप रैंडम कर सकते हैं कि भाई ये सिंगल पॉइंट अर्थिंग हुई हुई है या नहीं. सिंगल पॉइंट अर्थिंग की ज़रूरत क्यों होती है, उसकी मेनली रीज़न ये है कि आपका जो सीटी सेकेंडरी है वो क्योंकि हाई वोल्टेज के साथ उसमें कनेक्टिविटी में होता है, प्राइमरी वायरिंग एच पी साइड पे होती है, तो बीच में कैपेसिटेंस होती है, वो कैपेसिटेंस स्टैटिकली चार्ज करती रहती है सेकेंडरी वाइंडिंग्स को. तो अगर हम इसको सिंगल पॉइंट ग्राउंड नहीं करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो सकती है सेकेंडरी वाइंडिंग, कुछ अर्से बाद चार्ज होगी और फिर डिस्चार्ज होगी थ्रू द पैनल टू द अर्थिंग, और कोई अगर वायरमैन काम कर रहा है तो उसके लिए भी ये सेफ नहीं है अगर उसको आपने सेकेंडरी को अर्थ नहीं किया. तो सीरीज सेकेंडरी आपने अर्थ करनी है. अब ये नेक्स्ट टेस्ट ये है कि सिंगल पॉइंट अर्थिंग, हम सिंगल पॉइंट अर्थिंग क्यों करना चाहते हैं, उसका मेन रीजन ये है कि फॉर एग्जाम्पल आपने सिंगल आपने अर्थ किया और चेक कर लिया अर्थिंग है सीटी वायरिंग की. अब ये वायर जो है सीटी की, ये हो सकता है किसी और जगह से इसकी इंसुलेशन भी चली हुई हो, वो भी ग्राउंड से टच हो रही हो. तो इस सूरत में क्या है कि जो आपकी रिले है उसको प्रॉपर करंट नहीं मिलेगा, पार्शल करंट मिलेगा और रिले मॉल ऑपरेट करेगी. तो इसलिए प्रोसेस ये किया जाता है कि आप पहले अर्थ को रिमूव करते हैं, स्लाइडिंग लिंक के जरिए आपने अर्थ को आइसोलेट किया, उसके बाद आपने कंटिन्यूटी चेक कर ली फ्रॉम बिटवीन फेस टू ग्राउंड, कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए, और उसके बाद आपने दोबारा इन किया और फिर कंटिन्यूटी चेक कर ली, कंटिन्यूटी आ गई तो आपने बीप आ गया, बजर आ गया, तो अंदाजा कर लिया कि आपका सिंगल पॉइंट अर्थ है और देर इज नो अर्थ अवेलेबल ऑन द सीटी सेकेंडरी एनी वायर, ऑन एनी वायर. तो किसी भी सीटी सेकेंडरी वायर में और कोई जगह से अर्थ नहीं है, कोई वायर डैमेज नहीं है, एक ही अर्थ है जो कि हमने इंटेंशनली किया है.
सो नेक्स्ट टेस्टिंग है टेक्निक जो है वो है सीरीज सेकेंडरी इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि हम ये वेरीफाई करते हैं कि सीरी ये बेसिकली इनिशियल टेस्ट होता है, इसमें तमाम कंट्रोल केबल्स भी दोनों एंड से आप आइसोलेट कर देते हैं और मैकर करके चेक करते हैं। इसी तरीके से सीटी सेकेंडरी को भी आप आइसोलेट करेंगे बोथ एंड्स, और उसके बाद आप रिले पे अगर वायर टर्मिनेट हुई हो तो टर्मिनेशन से पहले इसको टेस्ट किया जाएगा, और अगर टर्मिनेट हो गई तो उसको आइसोलेट किया जाएगा। 500 वोल्ट पे आप इसकी सेकेंडरी इंसुलेशन को टेस्ट करेंगे कि यार आपकी वायर्स प्रॉपरली हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है वो सीटी वीए बर्डन है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच।